नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। क्या 2019 में मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? यदि हाँ, तो उनके अंदर कौन से वह विशेष गुण हैं जो उनको प्रधानमंत्री बनाए रखेंगे, और इस चुनाव में कितनी सीटें बीजेपी जीत पाएगी, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। यह जीत पहले से जबरदस्त होगी। क्या देश का चौकीदार एक बार फिर देश की आन बान शान और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? तो आइए चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं इन चुनावों का रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपके सामने कुंडली है और यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री की कुंडली है, और यह कुंडली इंटरनेट पर जो डेटा उपलब्ध है उसके आधार पर बनाई गई है। तो इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक ही इनकी राशि है। इनके लग्न में ही चंद्रमा और मंगल विराजित हैं, और चतुर्थ भाव में गुरु विराजित हैं, और पंचम भाव में राहु, और आपके दशम भाव में शुक्र और शनि हैं। सूर्य, बुध और केतु आपके 11th हाउस में हैं। तो यह जानकारी स्क्रीन पर आपके सामने है। इस कुंडली के आधार पर हम जानेंगे इनके गुण और अवगुण, और क्या 2019 का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है इन चुनावों में। तो यह जितनी भी जानकारी है ज्योतिष के आधार पर है, गणनाओं के आधार पर है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ होने वाला है 2019 के इस महासंग्राम में। प्रधानमंत्री मोदी जी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातक हैं। आपकी राशि का जो चिन्ह है वह है बिच्छू, और मिस्र में आपकी राशि के स्वामी के तौर पर गरुड़ को भी देखा जाता है। बिच्छू और गरुड़ दोनों के गुण आप में पाए जाते हैं। दुश्मन को बिच्छू बनकर आप समाप्त कर देते हैं, और गरुड़ की भांति आप अपने लक्ष्य पर हमेशा नजर रखते हैं और एक ही झटके में ऐसा प्रहार करते हैं कि दुश्मन देखता का देखता रह जाता है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आप कर देते हैं शत्रु को परास्त। यही गुण आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है, और आपका निर्णय सोचा समझा होता है, सटीक होता है और वक्त पर होता है। अब चाहे शत्रु भीतरी हो या बाहरी हो, आपकी नजरों से बच नहीं पाता है। आप वो अग्नि हैं जो शांत पानी में उबाल ला सकती हैं। आप वह ज्वाला हैं जो शांत पानी में बहुत ज़्यादा तूफान ला सकते हैं। तो जैसे गर्म लोहा होता है, उसको आप किसी शांत पानी में डाल दें तो वह पानी भी उछाल मारने लगता है, उबलने लगता है। आपके अंदर वह शक्ति मौजूद है। आप कर्मठ हैं, मेहनती हैं, आप किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं, शांत नहीं बैठते हैं, और जो संकल्प ले लिया उसे पूरा करने के बाद ही शांत बैठते हैं। अगर मैं कहूँ आप जन्मजात नेता हैं तो बिल्कुल सही होगा। आपको यदि किसी ने किसी बात के लिए एक बार छेड़ दिया तो आप तब तक शांत नहीं बैठते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं जब तक जीत ना जाए। आपकी कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। आप व्यर्थ की बातों में वक्त को खराब नहीं करते हैं, और ना ही धोखाधड़ी, फरेब या जालसाजी किसी के भी साथ करते हैं। कब बोलते हैं? नपात तुपात सही बोलते हैं। आप अन्याय से लड़ने में पूरी शक्ति लगा देते हैं। आप दुश्मनों को माफ भी कर देते हैं यदि वह अपनी गलती मान ले या अपनी गलती सुधारने का वादा कर दे। आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं और अपना मार्ग भी स्वयं चुनते हैं। आपके जीवन में प्रेम शब्द की परिभाषा बहुत बड़ी है। आपके जीवन में प्रेम शब्द की परिभाषा थोड़ी अलग होती है। आपका प्रेम अपने आप से बहुत होता है, लेकिन आप ऐसा भी चाहते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा सबको बना दूँ। मेरे जैसे सोच के व्यक्ति मुझे यदि मिल जाए तो मैं इस देश को बहुत आगे लेकर जा सकता हूँ। तो आपको अपने जैसे कुछ लोगों की तलाश हमेशा बनी रहती है। जब आपके अंदर इतने सारे गुण हैं तो आपको उच्च पद पाने का हक भी है। या तो थी आपसे जुड़ी हुई कुछ बातें। आप अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। अन्याय के विरोध में आप पूरी ताकत लगा देते हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको पहले से हो जाता है। इसका बड़ा कारण है योग अभ्यास और ध्यान।
मोदी जी उस इंजन की तरीके से हैं जो पूरे देश को एक साथ लेके चलते हैं। जैसे आपने ट्रेन देखी होगी तो इंजन आगे होता है और उसके पीछे एक के बाद एक डिब्बे लगे होते हैं, और इस डिब्बों में अनेक धर्म जाति समुदाय के लोग बैठे होते हैं, और जहाँ जहाँ जिसका स्टेशन आता है लोग उतरते जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर जाते हैं। तो मोदी जी उस इंजन की तरीके से देश को चलाते हैं जो आगे हमेशा बढ़ता रहता है और हर एक नई ऊंचाई नई मंजिल को प्राप्त करता रहता है और सबको साथ लेकर चलता है। अब अगर कोई व्यक्ति इन डब्बों में बैठ के बदमाशी करे या परेशानी पैदा करे तो निश्चित तौर पे उसको सजा मिलनी चाहिए, और आप सजा देने में भी चूकते नहीं हैं। आपका यह गुण है, अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। यदि इंजन दमदार होगा तभी वह डिब्बों को खींच पाएगा, तभी वह सबको सभी जगह पर पहुंचा पाएगा और सभी को मंजिल से मिला पाएगा। तो आप कह सकते हैं मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका जो आत्मविश्वास है, वह एक मजबूत इंजन की तरीके से है जो पूरे डिब्बों को एक साथ एक गति में खींचकर अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। आप समस्याएं निपटाने से पहले उसकी जड़ों तक जाते हैं। व्यापार करना आपके बाएं हाथ का खेल है, व्यापार में आप बहुत अच्छे हैं, व्यापार की सभी छोटी बड़ी हरकतों को आप जानते हैं, और आप अच्छी तरीके से एक अच्छे व्यापारी की तरीके से अच्छे टीम लीडर की तरीके से देश को भी चला रहे हैं और अन्य कामों को भी बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं, और अपने साथ जितने मंत्री लोग जुड़े हैं या जितनी आपकी टीम है उनमें भी आपकी पकड़ अच्छी है, नेतृत्व अच्छा है, और उनको भी लगता है कि हमारा इंजन मजबूत है, हम इसके पीछे सुरक्षित हैं, और इंजन को चलाने वाला ड्राइवर भी हर तरीके का ट्रेनिंग लिए हुए है और उसको हर परिस्थिति से निपटने की पूरी पूरा अनुभव है, और वह किसी भी परिस्थिति में हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वह किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति विशेष को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हम सभी लोग, आपका मंत्रिमंडल और ट्रेन में बैठे हुए सभी यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपकी वाणी और आपके शब्दों का चयन और जो आप भाषण देते हैं वह बहुत बेहतरीन होता है। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होता है, कब क्या कैसे बोलना है, किस जनता के सामने क्या बोलना है, उसकी जरूरत क्या है, और बोलने का स्टाइल, शब्दों का चयन और आपके हाव भाव और आपका कॉन्फिडेंस श्रोताओं को बांध कर रखता है और श्रोतागण आपकी बातों को समझते हैं, याद रखते हैं, और आपकी कही गई बातें, आपके बोले गए शब्द और आपकी आवाज़ का जादू आपके चले जाने के बाद भी लोगों के कानों में गूंजता रहता है, जिसकी वजह से आप सभी को याद रहते हैं। तो यह विशेष गुण है, इसीलिए आप जहाँ पर पदासीन हैं वहाँ पर बैठे हैं। सब में यह गुण नहीं होता है, यह बहुत लोगों में होता है, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो गुण का होना अलग बात है, गुणों का उपयोग करना एक अलग बात है। आप धर्म कर्म गुप्त विद्याओं में भी बहुत रुचि रखते हैं, ईश्वर में आपकी बहुत श्रद्धा और विश्वास है, आप सामने वाले के चरित्र को मिनटों में पहचान जाते हैं या पढ़ लेते हैं, आप अच्छे कूटनीतिज्ञ हैं, अनुशासन प्रिय हैं, और एक सैनिक की तरीके से तब तक अपनी जमीन को नहीं छोड़ते हैं जब तक या तो विजय ना मिल जाए या फिर दुश्मन परास्त ना हो जाए। तो आप पीठ दिखाकर भागने वाले पुरुष नहीं हैं, आप डटकर सामना करने वाले पुरुष हैं। तो यह बहुत सारी जानकारियां आपकी राशि और लग्न के अनुसार मैंने बताई, तो यह बहुत सारे गुण आपके अंदर विद्यमान हैं, और अगर हम चर्चा को बढ़ाते जाएंगे तो यह चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। तो संक्षेप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जिस व्यक्ति को आप चुन रहे हैं या जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उसके अंदर गुण कौन से विद्यमान हैं, क्यों वह इतने श्रेष्ठ पद पर हैं और क्यों उन्हें इस श्रेष्ठ पद पर बने रहना चाहिए। तो ये मेरा अपना नजरिया है, मैं इस नजरियों को आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, लेकिन जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वह ज्योतिष के आधार पर सत्य हैं। तो यह तो थी आपके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें।
अब बात करते हैं 2019 के क्या परिणाम रहेंगे, कैसा रहेगा बीजेपी का प्रदर्शन। तो सारी गणनाओं को करने के बाद, बारीकी से करने के बाद, मोदी जी की कुंडली देखने के बाद, भारत की कुंडली देखने के बाद, बीजेपी की कुंडली देखने के बाद, बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की कुंडली देखने के बाद, या जो भी कुछ डेटा हमारे पास इंटरनेट पर अवेलेबल था उसके आधार पर जानकारी को एकत्र करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। और यह मेरा जो प्रेडिक्शन है या व्यक्तिगत प्रेडिक्शन है, तो मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी कितनी सीटें इस बार जीत सकती है 2019 के चुनाव में और कितनी बढ़त उनको मिल सकती है पिछले चुनावों से, या वह कितना नीचे जा सकते हैं पिछले चुनावों से। तो अगले 5 वर्ष तक आपका पुराना चौकीदार मजबूती से देश की रक्षा करने के लिए तैयार है, यानी कि विजय और जीत और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 2014 में मोदी जी को, या कहें बीजेपी को, लगभग 282 सीटों में विजय प्राप्त हुई थी, जो बहुत ही बढ़िया और शानदार विजय थी। तो 2019 के मतदान में बीजेपी पार्टी को 225 से 230 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं, कुछ नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मेरी गणना के अनुसार 225 का जो फिगर है यह आपके वो इस 2019 के चुनावों में देखने को मिलेगा, यानी 225 के से लेकर 230 सीटें आपको प्राप्त हो जाएंगी। और यदि बहुत अच्छी चुनावी गणना हुई, अब देखिए हर व्यक्ति अपने चुनाव हो या कोई परीक्षा हो उसको पूरा करने के लिए बहुत प्रयास करता है, बहुत जब तब कर्म करता है, मेहनत करता है, और यदि उनके प्रयास बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, और मुझे लगता है हर व्यक्ति करता है, हर पार्टी करती है, तो उनका जो दूसरा एक जो आंकड़ा है वह 270 के आसपास हो सकता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत काम करेगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत काम करेगी, और जितनी मेहनत से आप अभी काम कर रहे हैं या ग्रह सितारे कहते हैं, तो यह आंकड़ा 225 से 230 पर सिमट जाएगा। और एक्स्ट्रा मेहनत यदि करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप 270 का आंकड़ा भी तय कर सकते हैं। तो मेरी प्रेडिक्शन के आधार पर कम से कम 225 से 30 सीटें आप जीतेंगे, या फिर आप कह लें 225 और ज़्यादा से ज़्यादा 270 सीटें आप जीत सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह जो जानकारी है यह सत्य साबित हो, या मैं कहता हूँ आप और ज़्यादा सीटें जीतें और विजयी रहें, लेकिन जितनी जानकारी ज्योतिष की मेरे पास है, जितनी गणना मैं कर सकता था व्यक्तिगत तौर पर मैंने करने के बाद आपको यह निर्णय दिया है। तो अंत में मैं आपको एक फिगर और बोल सकता हूँ, 225 से 230 या 270, इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में जीत सकती हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ इस चुनाव में आप सभी पार्टी वाले अपनी पूरी मेहनत करें, और चुनाव कोई भी जीते वह देश को आगे लेके जाए, देश का मान सम्मान गौरव बना के रखे, और आप सभी राजनीतिक पार्टियों को और जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छे तरीके से चुनाव लड़ें और आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो, और आप सभी लोग अपनी योग्यता के अनुसार जरूर रिजल्ट पाएं, विजयी बने, या फिर आपको उच्च पद भी प्राप्त हो। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इन आंकड़ों को आप याद रखिएगा, और हम फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि बताई गई बात कितनी सत्य हुई कितनी असत्य हुई। तो चलिए आप सभी लोग मतदान जरूर करें, और अपना सोच समझकर मतदान करें, और देश के इस महायज्ञ में अपनी आहुति मतदान के तरीके से जरूर डालें। हरिओम, नमस्कार।